यहाँ से 16 कोना कोने 20। तो बात आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग में भी कॉपी में भी, ताकि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये तो जनरली सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन हाँ अभी भी एक बात है। अगर हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही एक यूनिक टॉपिक बताने वाला हूँ। यूनिक टॉपिक क्या है, जो हम लोग घर का फाउंडेशन जो करते हैं, उनका गोनिया जो हम लोग मिलाते हैं, वो कैसे मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी तक किसी यूट्यूब चैनल में नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में है तो दो तरह का है, जिसमें एक तरह का सभी मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं और दूसरा तरीका जो है बहुत ही कम ही मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं, यानी कम मालूमात है। तो मैं आप लोगों को चार तरीके बताऊंगा और बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखें। अगर ये वीडियो देखते हुए आप लोगों को कहीं भी अगर गलत लगे, खराब लगे, समझ में नहीं आए, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए यूनिक टॉपिक के तरफ, कि हम लोग कैसे गोनिया मिलाते हैं इजी तरीका से और अच्छी तरीका से। तो चारों टॉपिक हम लोग पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज समझिए, हम लोगों का कोई भी प्लॉट एरिया जो होता है, हम लोग जो घर का फाउंडेशन जो करते हैं, प्लॉट एरिया जो होता है घर का जो फाउंडेशन करते हैं, तो वो कम से कम 600 स्क्वायर फीट का होता होगा, यानी 15x40 का एरिया, ठीक है, उससे ऊपर ही होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि 3, 4, 5 का गोनिया ना मिला करके जो और बाकी 3 तरीका का गोनिया जो मैं बताऊंगा उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों का जो है गोनिया एक ही बार में एक्यूरेट अच्छा तरीका से मिल जाए और कहीं फर्क ना हो। तो दोस्तों चले कि वो चार तरीका क्या है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताया कि 15x40 का कम से कम का प्लॉट हो सकता है। तो अब देखिए, मैं एक प्लॉट बनाया, ये 14x18 का प्लॉट, तो मैं इसलिए फीट के हिसाब से लिख दिया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 तक 14 फीट, यहाँ से 18 फीट। तो इसको आप प्लॉट एरिया समझिए। तो ये जो हम लोग आप ये जो हम फैब्रिक बनाकर रखे हैं, ये आप लोग समझाने के लिए। तो अब देखिए, इसको आप प्लॉट समझ लीजिए। मान लीजिए ये 15x20 का प्लॉट हो सकता है, 20x30 का प्लॉट हो सकता है, या 30x40 का प्लॉट हो सकता है, ठीक है, या फिर 40x50 का भी प्लॉट हो सकता है। तो ये चार प्लॉट मैं इसलिए बनाया हूं कि चार तरीका इसी प्लॉट के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी तो जनरली जो है हर मिस्त्री को मालूम है कि 3, 4, 5 से गुनिया मिलाया, तो चलिए मैं इसी को 3, 4, 5 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ से 3 है, ठीक है, यहाँ से 4 है, तो इसको अगर हम कॉर्नर में मिलाते हैं तो 5 आ जाता है। तो मतलब 3, 4, 5 के हिसाब से मैं गुनिया अगर मिलाऊं तो ये भी मिल जाता है, लेकिन इसको मिलाने में थोड़ा टफ होता है, बहुत दिक्कत होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा तरीका मैं बताऊं। पहली बात, ये एक प्लॉट बनाया हूं कि देखिए हम लोग क्या है, प्लॉट एरिया में ये बनाने का मेन मकसद क्या था, आप कहीं से भी मापी निकाल सकते हैं, आप 3, 4, 5 कर सकते हैं, या फिर 8, 9, 12 कर सकते हैं, 10, 15, 20, 18 कर सकते हैं, 12, 16, 20 भी कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसको चार भाग में, चार प्लॉट में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्या समझाया कि ये जो है हर मिस्त्रियों को मालूम है कि 3, 4, 5 में गुनिया मिलाया जाता है, और कुछ मिस्त्रियों को मालूम है कि यहाँ 16, 12, 20 कुछ मिस्त्रियों को मालूम है, 12, 16, 20 जैसे मैं यहां दिखाया हूं, 12, 16, 20 यहां से 12, यहां से 16, कोना कोने 20, तो 12, 16, 20 ये कुछ मिस्त्रियों को मालूम है, ये यूनिक है। इसको मैं चाहता हूं कि सबको इसको इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा होगा। फिर भी अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करें, मैं चाहता हूं, मेरे तरफ से ऑर्डर है कि इसको आप इस्तेमाल करें, आपका कभी गोनिया फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं और भी बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको, इस प्लॉट को हम करके देखते हैं, क्योंकि सब एक ही चीज है। आप देखिए इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं फिर से यही बताया कि 14 फीट 18 फीट आप कहीं से भी गोनिया मिला सकते हैं, यहां से मिलाई कहीं से भी मिला सकते हैं, इसलिए मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लेते 8, यहां से मान लेते 9, ऐसे करके गोनिया मिला दिए। अब
आठ नौ में क्या आएगा, बारह, आठ नौ बारह, जीरो से लिए आठ नौ बारह, इसको भी जीरो से लिए तीन चार पांच, अगर इसको लिए सोलह बारह बीस, तो इस टाइप से। आप देखिए चौथा ट्रिक क्या है दोस्तों, चौथा ट्रिक कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे यहां से मान लेते हैं दस, यहां से मान लेते हैं पंद्रह, और कॉर्नर में आपका अठारह। दोस्तों ये तरीका है, आप किसी टाइप से भी गोनिया मिला सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि 16, 20 का गोनिया मिलाएं। जो मैं यहां बताया कि 12, 16, 20, आप ज्यादातर इसको आप इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल आप करेंगे तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 12, 10, 15, 18, आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग में भी कॉपी में भी, ताकि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये तो जनरली सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन हाँ अभी भी एक बात है, अगर आपको डाउट लगे कि ये गलत है या सही है, हो सकता है किसी भी स्त्री को डाउट लग सकता है, तो फिर भी इसका जांच मैं बता रहा हूँ, एक जांच बताऊंगा तो आप सबका जांच आप कर सकते हैं। मान लेते हैं एक प्लॉट एरिया है, ठीक है, तो एक प्लॉट एरिया है, चलिए मैं फिर भी इसको 20 15 का ही प्लॉट बना दिया, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसी को जांच निकालते हैं, या इसको किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं, तो आप देखिए यहां 10 है, तो मैं यहां 10 ले ले रहा हूं, ठीक है। आप देखिए यहां 15 है, तो यहां 15 ले ले रहा हूं। अब देखिए डाउट यही है ना कि 18 से क्या गोनिया मिलता है, तो अब देखिए इसको ऐसे करके ऐसे 15, 10, यहां से 18 है ना, यही ना, आप 18 है कि नहीं, यही ना 18 आएगा कि नहीं, क्या दिक्कत है, यहां से यहां 18 लीजिए, उसके बाद यहां से खींचे इधर से भी फीता पकड़ लीजिए, आप ऐसे स्क्वायर टाइप का धागा खींचे, खींचने के बाद यहाँ 15 लीजिए, यहाँ 10 लीजिए, 10 लेने के बाद आप इसको भी ऐसे करके 10 का धागा इधर खींचे, 15 का इधर धागा खींचे, खींचने के बाद जो यहाँ से 18 लिए, तो इसको वहां से भी आप मिला के देख लीजिए 18 आ रहा है कि नहीं, हो गया आपका आंसर। इस तरीका से गोनिया मिल जाएगा। अब यही इसी का बात नहीं, आप इसको भी वैसे कर सकते हैं। मान लेते मैं इसको एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फैब्रिक के अनुसार बता रहा हूँ कि आप प्लॉट पे कर सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही आपको धागा खींचना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसी को करूं तो क्या दिक्कत है, मान लेते हैं यहाँ वही 20 बाई 15 का प्लॉट है, मान लेता हूँ, अब क्या है यहाँ हमको 8 लेना है, यहाँ मैं 8 लिख लिया, यहाँ 9, अब देखिए यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 8 ले कर दिए, अब इसमें भी हमारा डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के 9 के हिसाब से धागा खींचेंगे, यहाँ 8 के हिसाब से धागा खींचेंगे, खींचने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि 12 आता है कि नहीं, अगर हम यहाँ 12 किए तो यहाँ भी तो 12 आना चाहिए, फिर इस कोना से इस कोना मिला करके देख लेंगे 12 आता है कि नहीं, 12 आ गया तो इसका मतलब हम लोगों को नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में समझाया हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर मैं लास्ट में यही बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली इतना प्रोसेस को समझ नहीं पाया होगा, आप लोग जब भी गोनिया मिलाएंगे घर के लिए फाउंडेशन में, तो आप लोग क्या करें 3, 4, 5 का बजाय आप क्या कीजिए 12, 16, 20 का गोनिया आप मिलाइए, बहुत ही अच्छा होगा। कम एरिया है, जैसे कि हमारे 10 बाई 10 का एरिया है, तो आप 3, 4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3, 4 के बजाय जो ये दो ट्रिक जो बताया हूँ 8, 9, 12 को कीजिए, वो और भी परफेक्टली मिल जाएगा बहुत ही अच्छा तरीका से। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा, और इस वीडियो में कहीं भी अगर कमी हो या कोई किसी तरीके की बात हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा, सीख मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।